आज दिल्ली में गजब हो गया। रास्ते में एक व्यक्ति नमो टी शर्ट पहनकर पाकिस्तान के खिलाफ देशभक्ति का प्रचार कर रहा था, तभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता उसका विरोध करने पहुंच गया। फिर जो राजधानी दिल्ली में हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो देखिए। मोदी जी ने भी कहा लेकिन बात सुनो, मोदी जी ने सोचा था प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मोदी जी बोला हो ना यार, तुम मोदी को सपोर्ट करो। ये कौन ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पैसे से पैसे के लिए कर रहा हूं मैं, मोदी चाय बना था पैसे के लिए प्रधानमंत्री बना तो आप नहीं बन सकता। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये आपके दिमाग का लालच फसल है आपका, जो आप मेरे सामने बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं दिल से कर रहा हूँ और देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बेहतरीन है, अच्छा है, बेस्ट है। प्रॉब्लम आपको ये है कि अच्छाई दिख नहीं रही है। 70 साल से 60 साल से आपके दिमाग के सामने जो चश्मा था वो निगेटिविटी था आपके पास दिमाग में। नकारात्मक हमेशा आप लोग देखते थे, अब पॉजिटिव देख रहे हैं, तो आप डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना। और आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपके पास पुलवामा का आपके पास अटैक का प्रमाण है, तो जाइए रॉ के बिल्डिंग में और मोदी के खिलाफ जाके केस कीजिए। बोलने के तो आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, 130 करोड़ आवाम है, कुछ भी बोले। आपकी ओपिनियन है कि मोदी नहीं आए, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी ही बने, देश का प्रधानमंत्री मोदी बने। ये तो ओपिनियन आपकी है ना, आप कौन करो, सुनिए, देश का प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा। ये इसका प्यार है भाई साहब, अरे भैया ये हमेशा आप ही बोलते हैं पैसे के लिए, हर चीज पैसे आपको लगता है। यही 70 साल में देखा ही भाई, 70 साल में देखा क्या है, 70 साल में आपने पैसा देखा ही देखे हैं, इसीलिए सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी आपने 70 साल में पैसा देखा पैसे करा है मालूम है। आज मेरा वीकली छुट्टी है और मैं एक 5-स्टार होटल में हाउसकीपिंग मैनेजर हूँ, ऐसे मुंबई से प्रोडक्ट हूँ मैं, दिन से सपोर्ट करता हूँ और यही सिर्फ कैंपेन नहीं करता, मैं स्वच्छता अभियान का भी कैंपेन करता हूँ। आपको सिर्फ पैसा लगता है, पैसा लगता है सुखविंदर सिंह जी, दिमाग में जो पैसे की लालच है ना आपके पास, बंद कीजिए और सही चश्मे से देखिए, सब कुछ अच्छा दिखेगा। नकारात्मक में डूबे हैं आप, नकारात्मक में मुझे नहीं जाना है। मेरा देश का सेना कुछ भी बोलेगा मैं विश्वास करूंगा, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे तो मैं विश्वास करूंगा। पाकिस्तान भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं, उसका निचोड़ तो निकाल रहे हैं। सिंह जी आपने सेना पे सवाल कर रहे हो, सर मानी चाहिए आपको। आप वो हैं कि आपको सलामी ठोक दिया तो क्यों ठोका, सलामी नहीं ठोका तो मुझे क्यों नहीं ठोका। आपको सुनिए, आपको प्रॉब्लम ये है, आपको प्रॉब्लम है कि अभिनंदन आ गया तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं मिला, मिल नहीं आता तो बोलते कि फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का, लेके आए मेरे सेना को। अरे सर नकारात्मक में जी रहे हैं आप, बोलो तो सही कितना करेगा। सुनिए जनाब अभिनंदन आ गया है तो दुख हो रहा आपको, बस वही बात है, और अभिनंदन नहीं आता तो भी आपको दुख होता, क्योंकि दिमाग में आपके नकारात्मक सोच बढ़ा हुआ है। कहा ही दिहाड़ी वाली बात यार, 70 साल से दिहाड़ी देखी थी, अब 5 साल में दिहाड़ी देखी। सर सर देश का प्रधानमंत्री सोचिए, ऐसा है जो 70 साल से ना मनरेगा सोचा जा रहा था, मनरेगा गड्ढे खोदने की कोशिश हो रही थी, अब तो सर तो बोला ही नहीं, बगल में रॉ की बिल्डिंग आप पहुंचा कर जाके दे दीजिए, आप नहीं दे सकते ना, जाइए रॉ की बिल्डिंग जाके दे दीजिए। जाने के लिए कह रहे हैं, एक रोक रहे हैं। अरे नहीं 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 जाइए, पैसा मैं दे रहा हूँ पैसा आपको, ऑटो का चलेंगे साथ में सर, साथ में चलते हैं। क्यों मैं जाऊँ, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा हूँ, मैं मोदी खिलाफत नहीं हूँ, मैं मोदी खिलाफत नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त, मेरा सेना पे मुझे विश्वास है, गर्व है मुझे भारतीय सेना पे, भारतीय सेना कोई बात नहीं भैया, आप अपना भारतीय सेना पे मुझे गर्व है अपने, आप अपना ओपिनियन अपने पास रखो भाई साहब।